दूसरा को बताने वाला हूँ हाउ टू ब्लेज इन माइनक्राफ्ट। तो बिना देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। तो गाइस ब्रिज करने के सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा थोड़ा ऊपर ब्लॉक्स लेके, इतना ऊपर ठीक रहेगा। उसके बाद चले जाता हूँ सर्वाइवल में। वो तो सबसे पहले तरीका है नूब ब्रिजिंग। तो इसके लिए हमको क्राउच करना है, देखना है हमारे ब्लॉक की तरफ, हमको दबाना है। वैसे हम ब्रिज करते जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्लो है और ईजी भी है। वैसे ये ब्रिज टेक्निक ज़्यादातर बिगनर्स के लिए है, क्योंकि बिगनर्स को ज़्यादा मूवमेंट नहीं समझ आती है, तो शुरुआत ब्रिज करने के लिए ये सबसे अच्छा आइडिया है। वैसे हमें दूसरा तरीका है कि हमको सामने देखना है, हमको ऐसे ब्लॉक रख देना है और क्राउड ब्रिज चलते जाना है, जैसे हमारा ब्रिज भी बनता जाएगा। वैसे क्राउड ब्रिजिंग से बहुत ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है। सेफली ब्रिज करना हो सामने वाले के पास, सब ऐसे ब्रिज कर सकते हैं, इतना स्लो भी नहीं है एंड इट वर्क्स। इसके बाद आता है हमारा स्पीड ब्रिज। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी पर आप धीरे धीरे कर लेंगे। बस आपको देखना है सामने, क्राउच नहीं करना है, रखना है ब्लॉक। उसके बाद हमको ऐसे अपने ब्लॉक रखते जाना है। आपको जल्दी से अपना अपनी हाथ से बहुत जल्दी जल्दी की दबानी पड़ेगी इसको करने के लिए, पर वैसे बहुत फास्ट है और कहीं पर जाना है ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी है, ना ही ज़्यादा मुश्किल और ना ज़्यादा हाई टेक। उधर आपको ऐसे बस दबाते जाना है सामने देखते समय। अगर आपको ये वाला ब्रिज अगर आपको आ गया हो तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि ये जब कर रहे हैं इसमें चलते हुए तो आप स्प्रिंट करना शुरू कर दें करते हुए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरे से अच्छे तो नहीं होता है बिकॉज इट्स प्रीटी हार्ड। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी। आप अपने सिंगल पेलवर्ड में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप मल्टी पेलवर्ड में ट्राई करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। अगर आपको अपने एनिमी के ऊपर जाना तो आप ऐसे करके एक और बार रख सकते हैं, इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। जैसे ऊपर जाते जाएंगे और उसके बाद आप सीधे जाके उसको मार सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।